हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बची हुई खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। और ये इतनी मज़ेदार लगती है कि आपको रेस्टोरेंट में भी ऐसी खिचड़ी खाने को नहीं मिलेगी। आप एक बार तो इसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और इतनी स्वादिष्ट बनती है, और रात ही मैंने ये खिचड़ी बनाई थी दोस्तों, और सुबह जो बच गई थी मैं उसी की ये रेसिपी आपको बना के दिखा रही हूँ, और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है दोस्तों, क्योंकि मेरी खिचड़ी है जो बहुत ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए मैंने थोड़ा ही लिया है। यहाँ पे एक टमाटर, एक प्याज, दो हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी अदरक मैंने यहाँ पे ले ली है दोस्तों। और आपको भी अगर खिचड़ी ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ज़्यादा हम बारीक पेस्ट हमें नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है, मतलब थोड़ा सा चंक्स इसमें रहने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके के मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है सब चीज़ों को मिक्स करके। और ये इतनी सी खिचड़ी मेरी रात की बची हुई है, इसलिए मैंने एक टमाटर एक प्याज लिया है। और जो ये खिचड़ी है ये आलू प्याज वाली खिचड़ी है दोस्तों, तो आप नॉर्मल खिचड़ी भी ले सकते हैं और उसमें आलू ऊपर से भी डाल सकते हैं तड़के में। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, उसमें और स्वादिष्ट बनेगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून के करीब जीरा डाला है। जीरा को तड़कने के बाद हम इसमें डाल लेंगे राई। और रात जब मैंने ये खिचड़ी बनाई थी तब भी मैंने ये मसाले ऐड किए थे, अभी इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि उसमें पहले भी डली हुई हैं ये सब चीज़ें। और दो मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता लिया है, एक तेज पत्ता ही है, इसको तोड़ लिया है। और एक लाल साबुत मिर्च ले ली है, और इनको, और साथ में मैंने लिया है एक लौंग, और इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है, और इससे इतनी टेस्टी ये बनती है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। और हींग डालना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रात की खिचड़ी है और मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो अगर आप हींग डाल देंगे तो इससे थोड़ा पाचन क्रिया आपकी सही रहेगी और टेस्ट में तो अच्छा लगेगा ही। और साथ में मैंने यहाँ पे करी पत्ते ले लिए हैं 5-6, और इनको थोड़ा सा हम तड़कने देते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ कटी हुई शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, बहुत ज़्यादा आपको मोटा नहीं रखना है, क्योंकि खिचड़ी को हमें जस्ट फ्राई करना है, उसको पकाना नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हमें शिमला मिर्च को फ्राई करना है, ये थोड़ी क्रंची टेस्ट देगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी खिचड़ी में। ये वीडियो अब लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। और इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं, और अभी जो हमने ये पेस्ट बना के तैयार की दरदरा, ये हमने पीसा था आलू, ये प्याज वगैरह, तो वो मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है मिक्सचर। और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, और 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेते हैं, ताकि ये ऑयल सेपरेट हो जाए। तो 2-3 मिनट हमारे हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से, ऑयल रिलीज कर दिया है इसने। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दी है फ्रेंड्स, आधा टीस्पून। और अभी हम थोड़े मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है, धनिया पाउडर, क्योंकि उसमें पहले भी लाल मिर्ची हरी मिर्ची सब पड़ी हुई हैं खिचड़ी में, मैंने रात आलू प्याज वगैरह डाल के खिचड़ी बनाई थी। और ये किचन किंग मसाला है फ्रेंड्स, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास खिचड़ी थोड़ी सी है इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला, अगर आपके पास खिचड़ी ज़्यादा है तो आप मात्राएं बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पनीर कद्दूकस करके ले लिया है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, पनीर आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो यहाँ 2 चम्मच 2 टीस्पून के करीब मलाई डाल दें, फ्रेश मलाई, उससे भी इसका टेस्ट बढ़िया लगेगा। पर अगर आपके पास पनीर है तो सबसे पहले आप पनीर डालें, और अगर पनीर नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई डाल सकते हैं, उससे भी इसका क्रीमी टेस्ट आएगा। एक बार इस तरीके से आप बना के ज़रूर देखें दोस्तों। और ये मेरी खिचड़ी है रात की बची हुई, तो इसको मैं अभी इसमें मिक्स कर देती हूँ दोस्तों। अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि खिचड़ी में पहले भी नमक पड़ा हुआ है।
और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून देसी घी डाला है। देसी घी से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो, और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी करिए। और यहाँ पे हमारी खिचड़ी 3-4 मिनट के बाद ढक के मैंने पका ली है, और 3-4 मिनट के बाद ये रेडी हो चुकी है। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसको 2-4 मिनट बाद हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैं सर्व करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है और खाने में उतनी टेस्टी है। दोस्तों एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।